कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नंबर वन मोबाइल सॉल्यूशन 123 पर। तो आज हम देखने वाले हैं और DJI का जो रोनिन SC आता है, जो गिम्बल आता है रोनिन SC, उसका बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो आज हमारे पास है कैनन का M50 Mark II कैमरा, और हम ये कैनन M50 Mark II को और DJI का जो रोनिन SC गिम्बल है उसका बैलेंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मैं उसका कैप फिलहाल निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने कैप को निकाल लिया कैमरे का और मैं उसको साइड में रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से ब्रेसलेट को खोलूंगा। ठीक है, ब्रेसलेट टाइप उसका DJI का आया है, उसको हम खोलेंगे। और उसके अंदर ये एक्चुअली अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं है, आज हम पूरा सेटअप करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि उसका सेटअप किस तरीके से किया जाता है। तो ये है अपना, सबसे पहले ये जो हैंडल है वो एक तरह का ट्राइपॉड है, कुछ इस तरीके से खुल जाता है। ठीक है, और उसको इस तरीके से हम रख सकते हैं। और ये जो है अपनी वो है अपनी बैटरी, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो इसके नीचे जो यहाँ पे जो हॉल है वहां पे हमें ये जो उसका हैंडल या ट्राइपॉड जो भी कहते हैं उसको हमें कुछ इस तरीके से फिट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको फिट इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइपॉड टाइप का है उसे हम कुछ इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये अपना बैटरी तो फिट हो गया। ठीक है, मैं उसको रख देता हूँ यहाँ पर। अब हम कैमरे का कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो कैमरे में जहाँ पर जो कैनन M50 Mark II है यहाँ पर हमें कुछ लॉक लगाने पड़ेंगे, अब उसको हमें इस तरीके से कुछ फिक्स करना है। तो ये दोनों तरफ से सही है, आप चाहे उस तरह से लगाए आप उस तरह से लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसकी फिटिंग करने वाले हैं। और उसके साथ मतलब ये जो है वो यहाँ पे लगेगा, और उसके साथ ये वाला जो हिस्सा है वो उसके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अगर आपको पता नहीं तो आप दोनों को यहाँ पे DJI लिखा हुआ है, यहाँ पे DJI लिखा हुआ है। और इसके अगर आप उसे जब देखे तो पीछे की ओर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लाइट वेट और हैवी। ठीक है, ये लेंस के बारे में है, अगर हैवी है तो आपको उस तरीके से सेट करना है, हल्का लेंस है तो आपको उस तरीके से सेट करना है। और ये जो लेंस लगा लिखा हुआ है वो जिस तरफ से आप मान लीजिए कि आपका लेंस उस तरफ है तो ये वाला हिस्सा लेंस की तरफ आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये लेंस लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो वो भी हम बताने वाले हैं किस तरीके से उसका सेटअप किया जाता है। तो ये स्क्रीनों को मैं रख देता हूँ साइड में। और अब ये कुछ एलम की दी गई है जिसकी जरूरत हमें अभी तो नहीं पड़ने वाली, तो मैं उसे रख देता हूँ अंदर। यहाँ पे एक स्क्रू है जिसकी भी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ने वाली, उसे भी रख देता हूँ। तो ये जो प्लास्टिक की बैग है उसके अंदर 3 स्क्रू आते हैं, उन 3 स्क्रू को हमें निकाल लेना है। और वो किस तरीके से फिटिंग होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने भी उसका फिटिंग जब मैंने उसको परचेस किया उसका फिटिंग किया तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको फिटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत जो आई है थी वो ये है कि उसके अंदर उसका स्क्रू किस तरीके से फंसाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर है, ये असल में उसका जो हैंडल आता है वो नहीं है, फिर भी हम उसे काम चला लेंगे। ठीक है, उसको कुछ इस तरीके से कैनन M50 Mark II यहाँ नीचे की ओर से इस तरीके से लग जाने वाला है। ठीक है, तो इस स्क्रू को हम उसके अंदर फंसाएंगे, दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे DJI का लॉगो है और यहाँ पे इस तरफ हमें डालना है स्क्रू को इस तरीके से। ठीक है, मैंने धीरे से आप सेटिंग कीजिएगा, देख लीजिएगा लग जाएगा। और हमारे कैमरे की जो ये लेंस है उसको इस तरीके से सेट कीजिए, उसको ऐसे ऐसे किसी भी तरह से उसे आप फिट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, DJI का लोगो को आगे रखता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको DJI के लोगो को इस हैंडल में आगे रखने की ज़रूरत है, आप चाहे इसी तरह से उसे फिट कर सकते हैं। तो मैं उसको ऐसे करके फिट कर देता हूँ। इस
स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ठीक है, मैंने उसको फिट कर दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल टाइट कर देता हूँ ताकि ये खिसके नहीं। और मैं उसका बैलेंस, आपको ये भी देखना होगा कि ये एकदम सीधा बैठे, थोड़ा क्रॉस ना हो, उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर उसको आपने क्रॉस में बिठा दिया तो आपका कैमरा भी क्रॉस में आ जाएगा। ठीक है, उसको मैंने फिट कर दिया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो है वो ऊपर जो कैमरे के अभी मैंने बताया उसके नीचे लगने वाला है, तो हमें उसे इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर ये DJI का लोगो है उसको स्क्रू पीछे की ओर से बिठाने पड़ेगा, यहाँ की ओर से कुछ इस तरीके से आप घुमाइए और ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये टाइट नहीं होगा पर अंदर चला जाएगा, इसके बाद आप उसे अप डाउन कर सकते हो जितना आपको चाहिए। तो मैं एक और स्क्रू को यहाँ से लगा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ से हमें लगाना है, स्क्रू को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए दो स्क्रू। अब उसको जो ये मैंने उसको लगाया है ये वाले हैंडल को, वहाँ पे उसके ऊपर मुझे ये दो वाला कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे लैस लिखा हुआ है, वो लैस की तरफ ही आना चाहिए वरना दिक्कत आ सकती है। तो ये दो स्क्रू मैं उसको इसी तरह से फिटिंग करूँगा। और यहाँ पर लिखा है हैवी और लाइट वेट। ठीक है, मतलब जो हैवी लेंस हो तो आपको स्क्रू हैवी की ओर रखना पड़ता है, और लाइट में है तो उसकी ओर, तो मेरा लेंस मीडियम है तो मैं दोनों के बीच में रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उसी ये जो दोनों स्क्रू के होल है वहाँ पर ये दो स्क्रू मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सेटिंग करता हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कस लेता हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। और ये वाला जो स्लाइडर है मैंने उसको पीछे की ओर रखा है, मतलब आप कहीं पर भी रख सकते हैं, वो आगे पीछे आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने अपने कैमरे को कुछ इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, तो चलिए कैमरे को रख देता हूँ मैं साइड में फिलहाल, और उसके ऊपर हम अपना ये वाला गिम्बल जो है उन्होंने उसको सेट करने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे घूमता है ये। ठीक है, तो मैं उसको उसके और सेट करने वाला। तो उसको एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको सबसे पहले, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का स्विच है और यहाँ पे मोड का स्विच है। ठीक है, और आप जैसे मोड को स्विच और दबा दी जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे 1, 2, 3 तीन LED है वो ऑन होती जाएगी और मोड चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे जो ये है ये गेट है, गेट की मदद से आप कैमरे को अप डाउन या लेफ्ट राइट कर सकोगे। तो ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लॉक है, यहाँ पर जो ये लॉक करने पर ये गोल गोल घूमना बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस मॉडल का लॉक है और यहाँ पर एक और लॉक है इस तरफ, ये जो इस मॉडल का लॉक है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे मतलब 3 लॉक दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे पावर का स्विच है, आप देख लीजिए उसको दबाने पर गिम्बल स्टार्ट होगा, और ये नीचे जो स्लॉट है वो सभी बैटरी के हुए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये यहाँ पर HDMI पोर्ट दिया गया है यहाँ पर, जो यहाँ से कनेक्ट करके हम अपने कैमरे में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वरना आपको कैमरे से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। एक केबल की मदद से हम अपने कैमरे में कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वक्त ना गवाते उसकी सेटिंग करते हैं। तो ये वाला स्लाइडर हुआ, उसे हमें पीछे रखना है, देख लीजिए यहाँ पे DJI लिखा हुआ है और उसको DJI के पीछे ही रखना है, आगे नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक ग्रिप मिल जाती है, ये बैटरी की ग्रिप है, मतलब ये बैटरी के स्लॉट है और यहाँ पे बैटरी बोल सेट होनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको इसी तरह से फिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बैटरी का पॉइंट है मैनुअल वाला, और ये बैटरी के आपके सामने आने चाहिए, और यहाँ पे ये जो लॉक है वो खुला हुआ होना चाहिए वरना अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से मैं उसको थोड़ा फिट कर देता हूँ। तो मैंने ये फिट कर दिया है, अभी क्या होगा ये आगे पीछे हो जाएगा। देखिए अब नीचे करोगे तो ये नीचे आ जाता है। तो उसको लॉक करने के लिए यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, उसे हमें बस लॉक करना है। ठीक है,
ये मैंने लॉक कर दिया, अब वो आगे पीछे नहीं जाएगा, गिम्बल लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ गिम्बल को इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। और अब हमें उसकी बैलेंस करनी है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमारा कैमरा कुछ, उसको मैं पहले अनलॉक कर देता हूँ। तो हमारा कैमरा कुछ किस तरीके से आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मुझे, मैंने ये पूरा को सारे के सारे खोल दिए, तो हमारा कैमरा यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम कैमरा को सेट करते हैं, उससे पहले हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है, वो आप अगर कैमरा भी फिट करते हो तो वो ऐसे घूम जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एक स्लाइडर होता है, जब आप नया गिम्बल लेते हो तो ये वाला स्लाइडर को आपको खिसकाना पड़ता है, तभी कैमरा बैलेंस होता है, ठीक है। तो मैंने ये जो लॉक देख रहे हैं आप, उसको मैंने खोला और मुझे स्लाइडर को खिसकाना पड़ेगा, तो मैंने इसको इतना खिसका दिया और मैं यहाँ पर अपना कैमरा डालूंगा, उसके बाद हम उसका बैलेंस करने वाले हैं। तो कैमरा डालने के लिए यहाँ पर एक स्विच दी गई है, देखिए स्विच नहीं है, मतलब ये मेटल का है और इसके बीच में स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग को हटाते हैं तो यहाँ से ये वाला लॉक आगे पीछे होता है और आपका कैमरा फिट हो जाता है। तो ठीक है, चलिए हम कैमरा को फिट करते हैं उसके ऊपर। तो ये हमने कैमरा को फिट कर दिया है, उससे पहले मैं कैमरा को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको इस तरीके से घुमा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने घुमा दिया है और ये अपना कैमरा ऑन हो गया है। तो मैं उसको आगे से डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, और उसको लॉक को दबा के रखूंगा ताकि ये अंदर आ जाए। तो ये अंदर आ गया है, ठीक है। अब मुझे उसे बैलेंस करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से घूम रहा है और यहाँ से उस तरीके से भी चल रहा है। तो मैं उसे थोड़ा लॉक कर देता हूँ, अब मैं करता हूँ उसको लॉक, ठीक है। ये मैंने लॉक कर दिया है, मैंने उसको यहाँ से भी लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये लॉक हो गया है, ठीक है। अब कैमरा मेरा उस तरह से घूम रहा है, देखिए इस तरीके से कैमरा घूम रहा है मेरा, ठीक है ना, आप देखिए उस तरीके से, इस तरीके से घूम जा रहा है। तो मुझे ये जो स्लाइडर है उसे इस तरह से घूम रहा है, तो मुझे कैमरा को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उस तरीके से घूम जाता है इस तरफ से, तो मुझे उसे और भी बाहर की ओर निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर की ओर निकाल लेता हूँ और इसके बाद हम उसका सेटिंग देखेंगे। देखिए अब उस तरीके से घूमे जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर लाना है इस तरीके से, अभी भी उस तरीके से घूम रहा है, अब थोड़ा बैलेंस लग रहा है, अब ये लेफ्ट टू राइट बैलेंस हो गया है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट का बैलेंस हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसे थोड़ा कस देता हूँ, ठीक है ना, अब मुझे आगे और पीछे का बैलेंस करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो लॉक है उसे अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस लॉक को जैसे अनलॉक करता हूँ सीधा नीचे आ गया, देख लीजिए बहुत भीड़ से कैमरे को तकलीफ भी हो सकती है, तो मुझे ये वाला बैलेंस भी करना होगा क्योंकि ये सीधा नीचे आ जाए मोटर भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से नीचे का लॉक खोलूँगा और ये जो आगे की ओर झुक रहा है तो मुझे थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब वो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उसे आगे और पीछे का सेटिंग कर दिया है, तो वो कुछ इस तरीके से मैं उसको फिर से लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना आगे पीछे जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये कैमरा अपना बैलेंस हो गया, लेफ्ट राइट का भी बैलेंस हो गया है और आगे पीछे का भी बैलेंस हो गया है। देख लीजिए ये कैमरा ऐसे, आप जिस कंडीशन में आप रखना चाहो उसी कंडीशन में रखना चाहिए, अगर अनबैलेंस होता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपका बैलेंस नहीं। देखिए आप जिस तरीके से रखना चाहते हो उसी दिशा में वो रहना चाहिए, देखिए उस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। तो मतलब लेफ्ट और राइट का अभी भी बैलेंस नहीं है, तो हम लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा बैलेंस करने वाले हैं। तो उसको मैं यहाँ से थोड़ा कर देता हूँ और इस तरफ से घूम रहा है तो मुझे कैमरा को लेफ्ट साइड घूम रहा है तो मुझे कैमरा को राइट साइड ले जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं उसे थोड़ा खिसकाता हूँ, ठीक है। थोड़ा अब देखिए, अब वो डाउन है, अब ये आगे की ओर घूम रहा है। मैं उसे थोड़ा आगे कैमरा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये उस तरीके से घूम रहा है, देखिए वो इस तरीके से घूम रहा है। अभी लेफ्ट राइट और अप डाउन दोनों ही हमें करना है, और कुछ करना नहीं। ये उस तरीके से घूम रहा है तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, ये ठीक है। लेफ्ट और राइट का बैलेंस हो गया है, उसे थोड़ा खोल देता हूँ। दो या तीन चीजों का ध्यान रखना है, लेफ्ट या राइट और अप और डाउन, चारों चीजें, चारों साइड का बैलेंस हो जाना चाहिए। तो ये कैमरा का बैलेंस हो गया है बिल्कुल। तो मैं अब सारे लॉकों को अनलॉक करने वाला हूँ। ये मैंने अनलॉक कर दिया है, ये इसको भी अनलॉक किया है, और ये लॉक अनलॉक, सारे के सारे जो स्लाइडर है वो सभी अनलॉक हो गए हैं, ठीक है। तो मैं उसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं गिम्बल को चालू करने वाला हूँ। तो यहाँ से चालू करने के लिए यहाँ पर जो एक स्विच दी गई है उसे हमें चालू करना पड़ेगा। तो मैंने ये चालू कर दिया, देखिए यहाँ पर कुछ एलईडी चालू होगी, ये आवाज आया मतलब वो चालू हो गया है। यहाँ पे कुछ एलईडी चालू हो गई है, तो कुछ वक्त उसे छोड़ते हैं ताकि गिम्बल अपना खुद का बैलेंस कर सके, ठीक है। मैं निकाला नहीं तो मैं उसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है। अब ये गियर है, उसकी मदद से हम देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक गियर है, मैं कैमरा अपनी ओर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये गियर है, उसे आप अप और डाउन, ठीक है। ये डाउन कर दिया और मैंने ये अप कर दिया, ठीक है। मैं उसे इस तरीके से घुमा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उस तरीके से भी घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है, मेरे कैमरे में। तो अब एक चीज़ जो हमें समझनी होगी वो है रिकॉर्डिंग, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग को आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको बस यहाँ से कैमरे से रिकॉर्डिंग करना होगा। बस आपको एक केबल के द्वारा और उसको कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का स्विच है, आप चाहे तो आप उसी रिकॉर्डिंग के स्विच के साथ ही आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो बैलेंस आपने देख लिया, अब वो बारी है रिकॉर्डिंग की, क्यों रिकॉर्डिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। मैंने उसके अंदर से सारे पार्ट को नहीं निकाला, ठीक है ना। मैंने आपको बस DSLR और कैनन M50 Mark II पर किस तरीके से उसकी बैलेंस की जाती है उसके बारे में ही दिखाया। और हाँ एक चीज़ तो बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि जब मैंने गिम्बल को पहले बैलेंस किया तो वो बैलेंस तो हो गया था, लेकिन ये गेट जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके बाद वो चालू हो गया। तो आपको एप्लीकेशन उसकी जो आती है DJI की, Ronin SC की, वो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो ये दिक्कत मुझे आई, तो मैं उसको एक केबल की मदद से उसे कनेक्ट करता हूँ। ये वाला केबल है जो अपना चार्जिंग के लिए होता है, और ये वाला जो केबल है वो HDMI टू HDMI उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं उसे निकाल लेता हूँ। और हम कैनन M50 Mark II अपना जो कैमरा है उसको हम इस केबल की मदद से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली मुझे उसे पहले ही कनेक्ट कर देना था, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। मैं अपने गिम्बल को स्विच ऑफ कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये अपना कन्वर्टर मिल जाता है, इसमें रेगुलर टू HDMI है, तो एक HDMI स्लॉट को मैं उस तरीके से एक काम करता हूँ उसको किस तरीके से, यहाँ ये इस तरीके से लग जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ, ये मैंने लगा लिया। और जो मेरा कैमरे का स्लाइडर है उसमें यहाँ पर, ठीक है, मैंने दो केबल को लगा दिया है। और अपना ये वाला जो केबल है तो यहाँ पर स्लाइडर पे जो भी ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर उसका एक पॉइंट है गिम्बल के अंदर, मैं उसे वहां पे लगाने वाला हूँ। मुझे सही से काम करना, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। तो अब मैं अपने गिम्बल को चालू करता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से। तो मैंने उसको चालू कर दिया है,
तो ये लेयर्स होगा, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से हो रहा है। तो मैं अपने कैमरे को आपकी ओर घुमा देता हूँ और शायद आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग देख पाओ। ठीक है, तो मैंने उसको घुमा दिया है और क्लिक किया है, अब मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ के ऊपर की और आप देखोगे यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, एक बार मैं फिर से पुश कर देता हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग मैंने पुश कर दी है और ये भी मैंने ऑफ स्टार्ट कर दी है। तो मैं उसको घुमा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो गिम्बल का बैलेंस करना एकदम आसान है। ठीक है, ये मैंने डाउन किया, अप किया, आप चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। आप ये ऊपर की ओर ले जा सकते हो, आप इसको ऐसे करके ऐसे भी शूट कर सकते हो। ठीक है ना, आप चाहे उस तरीके से उसके शॉट ले सकते हो। आपको अगर कोई शॉट इस तरीके से लेना है, इस तरीके से, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। आपको जैसा चाहे ऐसा शॉट ले सकते हो आप। बस आपको एक बार गिम्बल को सेट कर देना है और आपको इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि गिम्बल का बैलेंस करना बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल नहीं, आप आराम से उसका बैलेंस कर सकते हो और आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो। बस उसका मतलब जब आप स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, क्योंकि मुझे स्पेशली यही दिक्कत आई थी कि उसका गेट जो है वो काम कर नहीं रहा था। तो उसको मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसके अंदर से ऑन किया और सब कुछ ओके हो गया। तो ये था अपना गिम्बल का बैलेंसिंग, वो भी M50 कैमरे के साथ। आप कोई भी किसी भी कैमरे के साथ आप उसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो हमारे बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।